नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पिछले कई दिनों से हमारे शहर में नाबालिग बच्चियों का अपहरण, फिर उन पर रेप और फिर उन मासूमों की हत्या करने के कई मामले सामने आ रहे हैं। दिन ब दिन हमारे शहर में बेटियों की सुरक्षा को लेकर बिगड़ते हुए हालातों के मद्देनजर हर शहरवासी बेटियों की सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर हुआ है और लोगों का अपने घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में मासूम बच्चियों पर दुष्कर्म होने की भयानक वारदातों ने पूरे शहर में काफी खलबली मचा रखी है। एक साजिश पे से अभी पर्दा उठा नहीं कि शहर के किसी क्षेत्र के पुलिस थाने में दूसरा दुष्कर्म होने का मामला दर्ज हो जाता है। शहर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे खूंखार बलात्कारी दुष्कर्मी अपराधी शहर में जहरीले वायरस की तरह फैलते ही जा रहे हैं और एक के बाद एक भयानक और दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देते जा रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा सूरत में फिर सामने आया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सूरत में फैला बदमाशों का आतंक और सूरत बना अपराध की नगरी में आज हम बात करने जा रहे हैं सूरत के लिम्बायत इलाके की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत के लिम्बायत गोदाडरा इलाके में स्थित सोमेश्वरा पार्क सोसाइटी में किराए के मकान में रहने वाले प्रमोद, जो कि कलर काम करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। प्रमोद की 3 साल की बच्ची गत रविवार को दोपहर के समय अपने घर के समीप खेल रही थी, तभी अचानक खेलते खेलते बच्ची घर के समीप से लापता हो गई। परिजनों तथा लोगों की काफी खोजबीन करने के बाद भी बालिका का कोई भी कहीं पर भी पता नहीं चल सका। आखिरकार पुलिस को सूचित किया गया। घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लिम्बायत पुलिस थाने के पीआई सीआर जाधव और बालिका को खोजने के लिए अलग अलग 10 टीमें बनाई गई। इसके अलावा डीसीबी, पीसीबी और पीएसआई सहित पूरा स्टाफ भी जांच में शामिल हुआ। जांच के दौरान गत रोज शाम 4:30 बजे प्रमोद के घर के नीचे किराए पर रह रहे अनिल यादव नामक युवक के घर से एक बोरी मिली, जिसमें प्रमोद की 3 साल की बालिका की गला दबाकर हत्या की हुई लाश बरामद हुई। इस तरह की वारदात होने से सारे इलाके में भारी सनसनी फैल गई। प्राथमिक दृष्टि से देखा जाए तो बालिका पर बलात्कार होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस तरह की घटना के चलते लिम्बायत पुलिस सहित उच्च अधिकारियों का काफिला घटनास्थल पर एकत्रित हो गया। बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं, ये एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। हालांकि अपराधी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और खुलेआम घूम रहा है। घटना के चलते बच्ची के परिवार में मातम का माहौल छा गया। इस घटना के संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच लिम्बायत पुलिस ने शुरू की है। છોકરી લગભગ 3.5 થી 4 વર્ષની છે, નિકાલ નહીં લાગે એના કરતાં જે મેટર છે, જે અપરાધી છે એને પકડો, એનો નિકાલ લગાવો, કાં તો એને જાહેરમાં ફાંસી આપો, એનાથી બીજા જે કરવાવાળા છે એમને એક શીખ મળી જશે કે ભાઈ આવું કરવાથી આવું થાય છે। આરોપી કયા કેટલા દિવસથી અહીંયા રહેતો હતો અને કઈ ખોલી મળ્યો? લગભગ મારા ખ્યાલથી 2 થી 3 વર્ષથી અહીંયા રહેતો હતો અને આ જે રૂમ દેખાય છે આ રૂમમાં રહેતો હતો। હવે એક એટલો હતો, એની સાથે હજુ છોકરો કોઈ રહેતો હતો એવું મને અહીંયાથી જાણ મળી છે, કારણ કે મેં પણ એ છોકરાને નથી જોયું। અને એવી વાત છે કે 2-3 લોકોએ કીધું કે છોકરીઓને બોલાવતો હતો, વાત કરતો હતો એવું। એમ ઉંમર આશરે કેટલી હશે પેલા? 18-19 मैं भिंडो ने मैं रहती हूँ, समस्याओं का काम करती हूँ। मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे लड़की का अपहरण हो गया है, इसके लिए मैं बोलने के लिए इधर आई हूँ। आई हो तो इधर लास्ट मैंने तो देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याचार होता रहेगा तो समस्या करके बताओ। अभी क्या हुआ है? अभी क्या हुआ, अभी पुलिस वाले आए, हम लोग को बोले तुम बवाल मत करो, हम न्याय दिलाएंगे, बवाल मत करो न्याय दिलाएंगे। 5 लाख लड़की चले गई, बलात्कार हो गया तो न्याय कैसे मिलेगा? हमको न्याय चाहिए। बच्चे उसका लड़की का बाप को पीटा है, मामा को पीटा है, दूसरा भाई को पीटा है, तुम लोग हमारा नुकसान हो गया तो भी वो लोग किसने पीटा? पुलिस वाले ने पीटा। क्या चाहते हो? ऐसा कौन सा न्याय है? क्या चाहते हो? हम लोगों ने अपहरण, हमको यही चाहिए, न्याय चाहिए, उनके बदला होनी चाहिए। हम लोग कुछ लेना नहीं, कुछ देने का नहीं, ऐसा क्यों?
मेरा नाम दीपिका नारायण उमाड़ क्या हुआ था पहले पहले वो आठ बजे आनंद लेके आई मेरे पास बोले मैं नीचे खेलने के लिए जा रही हूँ मेरे लड़की रोज नीचे खेलती थी मैं 9 बजे उसको बुलाने गई मेरी लड़की नहीं थी हम लोग पूरा सोसाइटी ढूंढा वो नहीं मिली हम पुलिस स्टेशन गए साहब लोग ने भी ढूंढा हम कैमरे में भी ढूंढा तब भी नहीं मिली फिर वापस पुलिस स्टेशन गए पुलिस स्टेशन में भी वो रिपोर्ट लिखाया उसके बाद हमारे को छोड़ दिया इधर पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया था और किस तरह से लड़की आज मिल गई थी और किस हालत में वो मेरे को मालूम नहीं हमने लड़की को देखा नहीं यार लड़की को देखा भी नहीं हूँ मेरी वाली अभी तक तो आपको कैसे पता चला कि पुलिस वाला अंदर ढूंढने लगे अंदर तब हमको पता चला कि अंदर कुछ ना कुछ कारण है तब हमको पता चला सामने वाला कौन था और इस कारण में मेरा भाई मेरा पति मेरे दोनों भाई रिमांड में थे ये लोग घर के लोगों को रिमांड में लगा दिया घर के लोगों को सामने वाला कौन था सामने वाला कौन था ढक्कन किसका था कौन था कैमरामैन मोहसिन शेख के साथ परवीन पठान समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत।